मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद से संबंधित संस्था शारदा योग प्राकृतिक शोध संस्थान सायोप्रस परिसर में आदिवासियों से संवाद कार्यक्रम के तहत मनाया। इस अवसर पर सायोप्रस के विजय आनंद जोशी ने आदिवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। इसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में प्राथमिक बैठक के दिन घोषित किया गया था। विश्व के 90 देशों में आदिवासी समाज निवास करता है, जबकि हमारे देश में संपूर्ण जनसंख्या का 11% आदिवासी समाज का है। स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समाज के बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, तात्या टोपे आदि ने अपने प्राणों का बलिदान कर भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस वर्ष की थीम संरक्षण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका और पारंपरिक ज्ञान का प्रसारण रखा गया है। यह हमारे लिए हर्ष का विषय है कि आज हमारे देश की राष्ट्रपति वनवासी समाज से संबंध रखने वाली माननीय द्रौपदी मुर्मू हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य शासन आपके हितार्थ शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार आदि से संबंधित कई योजनाएं लागू, जानकारी के अभाव में आप इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। आप अपनी किसी भी प्रकार की समस्याओं के लिए यहां आए, निशुल्क आपका आवेदन व अन्य जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। कृपया इसका लाभ उठा अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाएं। विधिक प्रकोष्ठ के बीएल दीक्षित ने कहा कि आपके कानूनी अधिकारों व सुविधाओं के लिए हमारा प्रकोष्ठ लगातार प्रयास कर रहा है। आपको किसी भी प्रकार की कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ता है तो हम आपके सहायक बनेंगे। इस अवसर पर सायोप्रस की उषा शर्मा ने उपस्थित आदिवासियों से कहा कि आप इतनी मेहनत की कमाई से हमारी आन बान शान और गौरव का प्रतीक राष्ट्रीय तिरंगा झंडा को क्रय करें तथा अपने अपने धरों से 11 अगस्त से 17 अगस्त तक सम्मान फहराकर देश के सच्चे राष्ट्रभक्त नागरिक होने का परिचय दें। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जनों को प्रसाद का वितरण किया गया। आज पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पर मनाया जा रहा है। विश्व के 90 देशों में आदिवासी निवास करते हैं, हमारे देश में भी पूरे 11% जो आदिवासी निवास करते हैं पूरी जनसंख्या के, वो सायोप्रस परिसर में आदिवासियों को जानकारी दी गई कि उनके लिए सरकार केंद्र शासन जो योजनाएं चला रही हैं उसका आप लोग लाभ उठाएं। यहाँ निःशुल्क उनके आवेदन और अन्य जानकारियाँ दी जाएंगी और विधिक प्रकोष्ठ के माध्यम से भी, जिला कोर्ट के माध्यम से भी बीएल दीक्षित जी ने लोगों को जानकारी दी थी, क्या बोलते हैं आदिवासियों को, कि आप लोग को कोई भी कानूनी अधिकार की अड़चन आती है तो वो हम आपका सॉल्व करेंगे और लगातार करते भी आ रहे हैं। और इसके अंतर्गत आज आदिवासियों को ये भी आह्वान किया गया कि अपनी राष्ट्रीय आन बान और शान का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो आप 11 से 17 अगस्त तक अपने घरों में फहराएँ और अपने सच्चे भारतीय होने का प्रदर्शन करें। धन्यवाद।